चार्ज हो जाए तो दूसरी उसमें काम चालू कर देगी। चालू कर देगी। अब किसानों का दोस्त बनेगा ड्रोन। कृषि क्षेत्र में दवाई स्प्रे के लिए भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए ड्रोन की एंट्री करने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज के दो गांव में कृषि ड्रोन छिड़काव का प्रदर्शन किसानों के सामने किया गया और ड्रोन की तकनीकी जानकारी किसानों को दी गई। संस्थान की तरफ से पुनित कायकर ने किसानों को बताया कि कृषि के कार्यों में ड्रोन बहुत ही उपयोगी है और भारत सरकार ड्रोन खरीदने पर 50% की सब्सिडी भी उन्हें देगी। वहीं कंपनी द्वारा ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्रोन के उपयोग से मजदूर, दवाई और पानी की भी बचत होगी। ड्रोन है, इस ड्रोन के सहारे हम किसी भी हमारी फसल पर दवाई छिड़क सकते हैं। दवाई छिड़कने के लिए अभी इसमें जो कैपेसिटी है, इसका टोटल वेट दवाई के साथ अगर करेंगे, पानी के साथ करेंगे तो 25 kg आता है, जो कि ड्रोन का उसमें नियर अबाउट 10 kg है, सॉरी 15 kg है और 10 kg अपनी वाटर टैंक का कैपेसिटी है उसकी। तो 10 लीटर में आप नियर अबाउट 1 acre आप 10 मिनट में स्प्रे कर सकते हो। इसकी जो बैटरी है, बैटरी आपकी अगर बिना पानी के आप ड्रोन को चलाओगे जस्ट मैपिंग के लिए, तो 20 मिनट तक आराम से चल सकती है, और आप पानी के साथ मतलब दवाई और पानी है तो आपका 10 मिनट तक का 1 acre कवर कर लेना है। इसके साथ कितनी बैटरी आती है सर? सर अभी इसमें जो लगेगी 2 battery लगेगी और इसके साथ स्पेयर में आपको 2 battery और आएंगे। अभी जो सरकार द्वारा कुछ किसानों के लिए इसमें राहत दी जा रही है? हाँ, सरकार द्वारा राहत दी जा रही है, 50% तक आपको इसमें राहत दी जाएगी। बाकी दवा तो सही लगे, पूरा पेड़ हल रहा है। वहीं इस अवसर पर संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम के आयोजक सोनू पवार, किसान उत्पादक संस्था कल्पवल्ली ग्रीन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि समेत गांव के जागरूक किसान व कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि ड्रोन कितना किसानों के लाभदायक साबित होगा। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।